आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्विक सक्सेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि CBSE द्वारा CTET का पेपर साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। इस बार जो जुलाई का CTET का जो पेपर है वो 5 जुलाई की डेट उसकी फिक्स की गई है। दो शिफ्ट में पेपर होता है, PRT और TGT। अपने इस YouTube चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपके लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर लेकर आती हूँ। तो कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें सोल्व किए हैं, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सोल्व करवाने के लिए लेकर आई हूँ वो है जुलाई 2013 में जो CBSE द्वारा कंडक्ट करवाया गया था CTET का लेवल 2 का पेपर है। TGT वालों के लिए है, PRT का नहीं है। PRT का आपको अलग से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो जो है TGT के लिए। फर्स्ट जो पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सेकंड ऑप्शन है, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। थर्ड ऑप्शन में है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। फोर्थ ऑप्शन है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? युग्म दिए गए हैं, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये किसका कथन है? चॉम्स्की का। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, किसका है? वाइगोत्स्की का। भाषा विचार पर आधारित है, ये किसमें दिया गया है? पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्कीनर। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं खाली स्थान कहलाती हैं। जेंडर भूमिका विवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को सबसे अधिक करने में सर्वाधिक उचित है? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली को पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जा सके। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण करने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खाली स्थान के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आकलन और सीखना। अंतरपरक अनुदेशन है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित तथा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक और भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने के पहले कि शिक्षार्थी विशेष शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, और फोर्थ ऑप्शन है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना। तो 8 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
शिक्षक की शिक्षण शैली जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंद बुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 1 है शिक्षक की शिक्षण शैली। एक समावेशी विद्यालय खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? जब हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खालिस्तान है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी? तो 11 नंबर क्वेश्चन इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण के में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो खालिस्तान में आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता या उच्च बौद्धिकता? तो ये वाले जो आते हैं वो किसमें आते हैं? इसका एक ऑप्शन नंबर 3। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युगम सर्वाधिक उचित होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खालिस्तान होती हैं, तब वे जल्दी खालिस्तान करते हैं। कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण या सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय या स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी या सीखना? तो 13 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक वातावरण व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंडूरा या जिन पियाजे? तो ये है एल्बर्ट बंडूरा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जाता है। प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण या सामाजिक अनुकरण या सामान्यीकरण? तो इसे कहा जाएगा सामान्यीकरण। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष के बाहर खड़ा कर देना चाहिए? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2। ब्लूम की टैक्सोनॉमी खालिस्तान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल या संज्ञानात्मक उद्देश्यों? तो ये है संज्ञानात्मक उद्देश्य। ए बह से 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। बह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सह अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। ए बह सह के उद्देश्य क्रम कैसे होंगे? निपुणता, निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा? सेकेंड ऑप्शन है पहले निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा या निपुणता? निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता या निष्पादन? निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा या निष्पादन? तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें खालिस्तान था या थी। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्म सिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम और ख्याति प्राप्ति? तो इसका जो आंसर आएगा वो है आत्म सिद्धि की प्राप्ति। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड या मौखिक भर्त्सना? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2।
खालिस्तान के द्वारा निपुणता अभी भी न्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता के परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास सामग्री देकर या अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो इसका ऑप्शन है 4। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो ये आएगा सामाजिक विकास वातावरण। स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो ये करता है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 से के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खालिस्तान विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना है, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो 27 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खालिस्तान में कठिनाई है। समायोजन, एम केंद्रितता, वी केंद्रीकरण या पलटावी। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, पलटावी। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत। तो 29 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2, पश्चय परंपरागत। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सांवेग सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो ऑप्शन नंबर 4। करते हैं पार्ट नंबर 3, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 90 तक आएगा। ये सब अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध था कपास, सोना तथा बहुमूल्य पत्थर, चांदी, तांबा या कंबल। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में बताना है आपको कि उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था, तो वो था कंबल के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर 4। एम्फोरा एक खालिस्तान था, इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगा जार छिद्रयुक्त बर्तन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान के नाम से बुलाते थे, काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। तो इसे बुलाते थे काला सोना, ऑप्शन नंबर 4। रहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार खालिस्तान में था, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल या आधुनिक काल। तो ये हुआ था मध्य काल में। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो प्रशस्ति पत्र पाया गया था, ये पाया गया था बलबन की प्रशंसा में। हृणयगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, हृणय का शिकार करने के लिए पुत्र के जन्म पर। तो इसका जो आंसर आएगा वह राजा के लिए किया जाता था उसे क्षत्रिय घोषित करने के लिए जबकि राजा जन्म से क्षत्रिय न हो। चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहा जाता था, ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा। तो उन्हें कहा जाता था नगरम।
नाथ साहित्य का संबंध था बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से? तो उसका संबंध था बंगाली से। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन या पख्तून आंदोलन? तो उसे जाना जाता था खुदाई खिदमतगार। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 में जो पास हुआ था, के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता का दिवस बनाया गया? 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 40 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का? तो बिग बियर किसका है? नक्षत्र मंडल का। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर रहता है। सेकंड ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर रहता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर घूमने के समान समय लगता है। या फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है? तो इसका जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि इतने टाइम में ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसी टाइम में वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर? तो वो अक्ष अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घट जाता है? तो इसका आएगा समान रहता है। पृथ्वी दिन कहलाता है। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय? तो पृथ्वी दिन क्या कहला कौन सा कहलाता है? वो ऑप्शन नंबर 3। विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आकर्तिक वर्त पर? तो वो पड़ती हैं विषुवत वर्त पर। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है? तो इसका जो आंसर आएगा कि वो दंतुरित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या एल्पस? तो वो है एंडीज। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में? तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वन है वो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुन्द्र की ओर, समुन्द्र से स्थल की ओर और पठान से मैदान की ओर? तो वो बहती हैं स्थल से समुन्द्र की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन या चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन? तो 51 का जो आंसर आएगा वो है चीन के शीतोष्ण सदाबहार जो वन है उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन या अमेजन नदी बेसिन? तो ये है अमेजन नदी बेसिन, फोर्थ ऑप्शन। मलोका क्या है? एक जाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य जीव या मलक्का का निवासी? तो ये क्या आएगा? मलक्का, मलोका एक घर है यानी ऑप्शन नंबर 2। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता? संसाधन संरक्षण, सतत पोषण या विकास, संसाधन प्रबंध या विकास प्रबंधन? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। रक्षक मेखला खालिस्तान की विधि है जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बगानी या मृदा संरक्षण की? तो वो है मृदा संरक्षण की। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेट का एक खालिस्तान पुरा स्थल है पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक? तो ये कौन से प्रकार का है? पुरापाषाणिक। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि इंद्र सोम, इंद्र वरुण, रुद्र अग्नि इंद्र और
विष्णु, तो इसका आंसर आएगा अग्नि, इंद्र देवता और सोम। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारतारी है, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो इसका जो ऑप्शन है भारत और यूरोप यानी भारोपीय। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? इनामगांव, बुरजोम, मेहरगढ़ या भीमबेटका? तो वो दफनाया जाता है इनामगांव। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपाशा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा? तो उसे बताया गया था तृष्णा। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी बिक्री बहुत बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है या उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो ब्रांडिंग करने से क्या होता है कि वो बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्न हो जाता है। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति संबंधित या संविधान की प्रस्तावना? तो अंतरात्मा किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4 या 12? तो 63 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो 64 का जो आंसर आएगा वो सबूतों के आधार पर। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या अमरनाथ पंथ? तो इसका जो आंसर आएगा वो है जगन्नाथ पंथ। दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है? स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर या सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3। सरकार एम्स के कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करे? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस कारक के विद्यार्थियों या किशोरों किशोरियों के व्यवहार एवं प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए? परिवार, विद्यालय, टेलीविजन या सहपाठी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, टेलीविजन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि को बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान से अधिक नई सामग्री रखना है, ठीक पाठ योजना एवं प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय देना? तो इसका जो आंसर आएगा 69 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 4। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविकता बयान करने वाले स्रोत या आंतरिक स्रोत? तो इसे माना जाएगा प्राथमिक स्रोत। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भूकंप, बात की प्रमुख फसलें, बात में पाए जाने वाले खनिज या पृथ्वी की संरचना? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। व्यक्तिगत चुनाव के तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्त संगत, आत्म केंद्रितता या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना? तो इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट या वेन आरेख? तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे।
अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुपयोग, संश्लेषण। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अवबोध। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने में सामर्थ्य है। विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील एवं लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण एवं विचारशील निर्णय लेने की अक्षमता। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है उनसे समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं, एक शिक्षिका के नाते आप क्या बताएंगे? छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भी प्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन कराएंगी या कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष और विपक्ष में चुनाव करवाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है, उन्हें साक्ष्य जुटाने के लिए कहेंगे जिससे कि वो उनका वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषय से ली गई है? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र या मूल्य पर नीति। तो इसका आएगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का समय सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना में या प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना क्या कहलाता है? संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से या कौशल से। तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, कौशल से। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट करे, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे या कानून के प्रति डर पैदा करे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? विचारों उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञान वर्धन करना, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड देना, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु परियोजना देना। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। लोकतंत्र की जड़ें भारत में, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों पर इस पर गहरा प्रभाव, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का इस पर गहरा प्रभाव है। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलन आकलन, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक और संकलित आकलन, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि? उसका आंसर आएगा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना प्रसारण,
राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो ऑप्शन नंबर 2। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर, या वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। तो वो चलाया गया था समान अधिकार और नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर में कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों और लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो ऑप्शन नंबर 2। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। सेकेंड ऑप्शन है वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद सकें। क्रिकेट के आयोजन को का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की वस्तुएं प्रस्तुत करना। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सोल्व किया था जुलाई 2013 जो सीटेट का टीजीटी लेवल का पेपर था वो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।